चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट। जो है मेरे पास एक एक्सरसाइज बेटा, सेम वी आर डूइंग दैट इज चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे पास जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हम क्वेश्चन जो है वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो लेट अस स्टार्ट रीड दिस क्वेश्चन फर्स्टली। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बेलून मूविंग विद द विंड इन एन हॉरिजॉन्टल लाइन एट एन हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक जो है 1.2 मीटर टॉल गर्ल जो है, हम ये मान लेते हैं 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ओके, और उसने एक मूविंग बैलून, जो कि बैलून मूव कर रहा है, उसको वो देख रही है, ओके, और जो बैलून की हाइट में ना, हमें जो बताई गई है, बैलून की हाइट जो है वो 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड, उसने हमें कहा है कि ग्राउंड से है, ओके। तो लेट अस सी कि मेरे पास ये लीजिए 88.2, इतनी मीटर हाइट मेरे पास दिया होगा। अब उन्होंने क्या कहा है, ये जो विंड है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, ओके बेटा। अब क्या दिया हुआ उन्होंने, मेरे पास जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बेलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये हम मान लेते हैं कि आई ऑफ द गर्ल है और एट एनी इंस्टेंट इट इज 60 डिग्री, ओके। आई ट्रीट इट नाउ अगेन व्हाट दे राइट जो है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद, क्योंकि बेलून हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो उसका 30 डिग्री हो गया। ये मेरी बात, ओके बेटा। नाउ व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। हमें डिस्टेंस जो है बताना है बैलून का। अब उसने क्या कहा है, ड्यूरिंग द इंटरवल, कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहां से यहां, यही मुझे बताना था। आई नीड टू कैलकुलेट इतने टाइम पे कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर। अब देखिए बेटा, जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलती करते, मेरे पास जो हाइट दी गई है वो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दी गई है, मींस ये जो 88.2 है ये टॉप से लेकर यहां तक है, ठीक है। और जो गर्ल है, हम जो सारा कुछ देख रहे हैं, वो गर्ल 1.2 मीटर टॉल है, कहाँ से, वो भी उसने कहा है कि ऑब्वियस ग्राउंड लेवल से होगी। अगर मैंने इतना डील करना है तो ये हाइट 88.2 माइनस 1.2 जब मैं करूंगी तो ये इट कम आउट टू बी 87 मीटर, ओके बेटा, क्लियर। अब मैंने लेबलिंग करनी है, सारा कुछ मुझे लेबल करना है, तो यहाँ पर आप 1.2 दे दीजिए, इसको लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ओके, एंड लेबल इट ए बी सी डी ई एफ जी और एच मेरे पास, ओके। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, इतने डिस्टेंस को हम लिखेंगे लेट जो है ई डी बी एक्स एंड बी जी बी वाई। तो अब मेरे पास जो है इस ट्रायंगल में हम बात करें बेटा, ये कितना है हमने निकाला था, 87, 87 ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज टैन मेरे पास 30 डिग्री, ओके। और टैन 30 मेरे पास कितना होता है, दैट इज 1/√3, ठीक है। तो मेरे पास हो गए 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू 87, ये इतना पार्ट आ गया, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, अब मैं ट्रायंगल लूंगी एफ जी ई।
I'm not writing now in this triangle, I'm writing it directly, okay? अब मेरे पास क्या आया यहाँ पर 87 over x plus y, that is tan, मैंने गड़बड़ी कर दी, देखो पहली ट्रेंगल में एंगल कितना था 60, बेटा प्लीज करेक्ट इट, ये रूट थ्री हो गया, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गया, आई एम नॉट सीन, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि 60 डिग्री ट्रेंगल में एंगल था, ओके प्लीज करेक्ट इट बेटा प्लीज। तो ये मेरे पास x आ गया 87 बाय रूट थ्री, ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो जाती है कई बार जल्दी जल्दी में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है tan 30 डिग्री, अब मेरे पास 87 ओवर x प्लस y और tan 30 इज 1 बाय रूट थ्री, मल्टीप्लाई करें क्रॉस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 87 रूट थ्री और x प्लस y, 87 रूट थ्री और बेटा मेरे पास x की वैल्यू 87 बाय रूट थ्री प्लस y, तो अब मेरे पास y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 87 रूट थ्री माइनस 87 रूट थ्री और मेरे पास जो है बेटा 87 आप कॉमन ले लीजिए मेरे पास और क्या बचा रूट थ्री माइनस 1 बाय रूट थ्री, ओके। अब एलसीएम ले ले तो मेरे पास y कितना आ गया 87 3 माइनस 1 बाय रूट थ्री, रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ओके तो इट कम आउट टू बी 87 बाय 3 इनटू रूट 3 इनटू 2, सारा सॉल्व कर लीजिए आंसर, अगर आपने रूट 3 में छोड़ना है आप रूट 3 में छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है कि किस में आपने आंसर को छोड़ना है, आपने क्या करना, क्लियर मेरा बेटा, ठीक है, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है बेटा जी। हम जो है बहुत इजी है, मैं आपको बार बार कहती हूँ आप जैसे मर्जी आंसर को छोड़ सकते हो, क्लियर, आप कटिंग कर लीजिए, देखिए ये कटिंग हो रही है थ्री पे, मेरे पास जो है थ्री टू द ओके सिक्स और जो है देन नाइन द और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 58 रूट थ्री मीटर्स मेरा आंसर, ओके जी क्लियर बेटा, समझ आई सबको बेटा, एनी डाउट टू एनी वन यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, चले बेटा आगे, चलिए लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 15th, ओके, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस बट वेरी इंटरेस्टिंग टू डू इट, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस, अब एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है आ जाता है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15th, नाउ व्हाट दे हैव मेंशनड इन क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of the tower, जो है एक स्ट्रीट हाईवे चल रही है ऐसे, leads to the foot of tower मतलब वो टावर के फुट पे जाके मिलती है, this is tower और we can call it tower, ठीक है। अब what they have mentioned, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, one person is standing or sitting on the top of the tower and observing a car and the angle of depression, मैंने आगे भी आपको कहा था if you want to make an angle of depression आपको पहले ऊपर show करना ही पड़ेगा, angle of depression जो है वो 30 degree है which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, वो कह रहे हैं कि car चल रही है uniform speed से और tower के foot को approach कर रही है with, है ना, और 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 6 सेकंड के बाद यानी आफ्टर 6 सेकंड कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज हो गया क्योंकि कार चल इस तरफ ही रही है क्योंकि उसने टावर की तरफ आ गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ दैट, वो
कहता है कि कितना टाइम लगता है इस कार को यहां तक पहुंचने के लिए, 6 सेकंड्स तो यहाँ ही लगते हैं, और कितना टाइम है, तो टोटल टाइम हमने यहाँ पर बताया। ठीक है, अब सबसे हमें कुछ भी नहीं दिया, एक टाइम की बात कर ले, टाइम ही हमने निकालना है। और एक बात उसने बहुत अच्छी कही है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा, मतलब एक जैसी स्पीड से। ठीक है, तो हम क्या करें अब यहाँ पर, व्हाट वी विल डू। मेरे दिमाग में आता है चलो मैं टावर की हाइट को मैं टी ले लेती हूँ या एच ले लू, जैसे आगे आपको याद रहे तो एच मीटर या एच यूनिट्स, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, हम ये मान लेते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो मैं मान लेती हूँ लेट जो है एक्स बी द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड विच वी विद विच द कार इज ट्रेवलिंग। ठीक है, तो वो एक्स किलोमीटर पर आवर, यहीं पे लिख रहे हैं ये किलोमीटर पर सेकेंड, जो भी आपने करना, ये कट जानी है इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं, वी डैम बॉदर रिगार्डिंग दैट। ओके, किलोमीटर पर सेकेंड ले लेते हैं क्योंकि सेकेंड की बात हो रही है, आपको कंफ्यूजन ना। ओके, मीटर पर सेकेंड ले लो चाहे, डजंट मैटर, क्योंकि कोई यूनिट की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने हाइट भी मीटर में ली, एक जैसी सिमेट्री बन जाती। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ओके, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, मैं स्पीड इनटू टाइम कर सकती हूँ। क्लियर, आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले इसको लेबलिंग कर देती हूँ, ठीक है, ए बी सी डी, कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, हमेशा एक्स स्पीड से चल रही है, डी से सी पे आने के लिए मुझे टाइम पता है, तो दैट मीन्स डिस्टेंस डी सी वो किसके इक्वल होगा, स्पीड इज एक्स, टाइम इज सिक्स, दैट इज सिक्स एक्स। ओके जी, डिस्टेंस ये हो गया, अब मैं आगे क्या करूंगी, इसको मैं मीटर्स में ले लेती, नाउ डिस्टेंस जो है मेरे पास बी सी, अगर मैंने ये, क्योंकि फिगर में सारी डिस्टेंस की बात होती है। अब प्रॉब्लम ये, मैंने टाइम निकालना है, तो टाइम तो कहीं मैंने लेट ही नहीं किया, मैं ये मान लेती हूँ कि यहां से यहां जाने के लिए उसको टी सेकेंड्स लगते, मैं लेट कर लेती। ठीक है, तो अपने आप यहाँ डिस्टेंस बी सी एक्स इंटू टी यानी टी एक्स मीटर आ गया, अब मेरी टेंशन खत्म हो गई, मैंने सब कुछ लेट कर लिया। अब जरा देखिए मैं कैसे कर सकती हूँ, हाउ आई विल डू दिस, अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले ये इतने ट्रायंगल की बात करनी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एच ओवर बी सी, बी सी मैंने निकाला टी एक्स, दैट इज इक्वल टू टेन सिक्सटी, है ना, ध्यान से 60 डिग्री दिया, अब टेन सिक्सटी रूट थ्री, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ एच ओवर टी एक्स, दैट इज जो है रूट थ्री, और एच की वैल्यू मेरे पास टी एक्स रूट थ्री, या मैंने इसको फर्स्ट मार्क कर दिया। ओके बेटा, नाउ कम टू दिस ट्रायंगल ए बी डी, जब मैंने ए बी डी ट्रायंगल ली तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एच ओवर बी डी, दैट इज टेन थर्टी, टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3, एच एज इट इज, बी डी की वैल्यू, बी डी की कैसे निकालू, डी सी प्लस बी सी यानी 6x प्लस टी एक्स। ओके, यहां पर भी मैं एच की वैल्यू निकालू तो h इज 6x प्लस टी एक्स बाय रूट थ्री, दोनों h h की वैल्यू है, मुझे h नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेकंड मार्क करके, तो मैं इक्वेट कर दूं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैंने इक्वेट किया बेटा तो मेरे पास कितना आया, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू टी एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस टी एक्स जो है बाय रूट थ्री,
इसको उधर ले जाओ मेरे पास, तो क्या आ जाएगा, थ्री टी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस टी एक्स, ये उधर जाके माइनस किया हमारे पास हो गए, तो कितना हो जाएगा टू टी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो मेरे पास टी की वैल्यू सिक्स बाय टू थ्री मीटर्स, ओ सॉरी टाइम है ना सेकेंड्स, ओके अब टी की वैल्यू आ गई मेरे पास थ्री सेकेंड्स, मुझे तो पूरा टाइम बताना है कि उस कार को वहां से कितना टाइम लगता है, तो यू विल राइट टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड पॉइंट, दैट इज सिक्स प्लस थ्री नाइन सेकेंड्स, सबको बात क्लियर होगी बेटा, हाँ जी सबको बात क्लियर है बेटा, हरलीन दक्ष पहले वीडियो ऑन करो बेटा, हाँ जी तान्या यस बेटा, यस तान्या मैम उस पॉइंट से टाइम बताना है, सारा टाइम नहीं बताना, तो थ्री सेकेंड जाएगा, हाँ बेटा मैंने यही आपको कहा कि अगर आपने उस पॉइंट से बताना है तो हमने टी बता दिया, अगर क्वेश्चन कई बार चेंज हो जाता है कि उसमें बोलते हैं कि टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए मैंने ऐड करके बताया था ने, ओके बेटा चेंज हो स्टेटमेंट, ये मत सोचा कीजिए कि जो स्टेटमेंट में लिखा है हमें वैसे ही, यही चेंजेस एग्जाम में आती है, ठीक है, यस दक्ष बेटा मैम उसको टी ऑफ एक्स लेके और जो सिक्स सेकेंड है उसको सिक्स एक्स ले लेते हैं, तो मैम उससे भी तो आ ही सकता है टी टी, फिर एक्स एक्स कॉमन हो जाएंगे, फिर वहां से टी सीधा थ्री आ जाएगा, तो एक ही बात है, मैंने भी तो वही किया, मैंने टी ले लिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है, एक्स ले लो टी ले लो डजंट मैटर, मैम सिक्स सेकेंड्स को एक्स लिया है मैंने, डीसी को सिक्स एक्स ले लिया ना, तो वहां से कॉमन नहीं आ जाएगा, और जो सी बी है उसको टी ऑफ एक्स ले लिया, बी सी को सिक्स कैसे ले लिया बेटा, कार जब यहाँ से यहाँ मूव की तो सिक्स सेकेंड इधर का टाइम दिया, आप उसको बी सी में थोड़ा ले सकते हो बेटा, जब कार मूव ही इधर से इधर कर रही है, कार जब इधर से टावर की तरफ जाएगी तो बेटा कुछ डिस्टेंस पहले इधर से कवर करेगी, वो टाइम दिया सिक्स सेकेंड, मैंने तो मैम ऐसे ही निकाला है, मेरा पूरा थ्री आ रहा था बेटा, आंसर तो बहुत जगह से सही आ जाता है बट कॉन्सेप्ट भी तो सही होना चाहिए ना, फिगर ही गलत ले रहे, इफ यू आर मेकिंग द फिगर रॉन्ग, जब हम चली कार इधर से थोड़ा तुम इधर को लेके जाओ, अगर कार टावर के फुट से इधर लेके जानी है तो सिक्स सेकेंड पहले इधर आएगा, मैं उसको नहीं ले सकती क्योंकि उसने एंगल जो है बताया गया कि पहले 30 था बाद में 60 हुआ, तो हम और कार अप्रोच कर रही थी टावर की तरफ, ओके दक्ष करेक्ट कीजिए बेटा उसको, ठीक है क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सिलेबस एंड दिस चैप्टर आल्सो, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन, ओके हम इसी चैप्टर की सबसे पहले रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी अभी किया है और इंटरेस्टिंग भी है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नाउ the question number 16th, what this question is very interesting and easy, the angle of elevation of the top of the tower from the two points at a distance jo hai mere paas 4 meter and 9 meter from the base of the tower, ab usne kaha ki angle of elevation dekhna hai, हमने टावर का दो पॉइंट से, ये टावर है ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है 4 पॉइंट से, ओके अब ये जो पॉइंट्स है ना ये बेस से 4 और 9 मीटर ऐसे डिस्टेंस पे, ओके बेटा नाउ व्हाट दे हैव मेंशनड हियर, जो एंगल यहां बना रहे हैं, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट अगेन, 9 meter from the base of the tower and in the same straight line which jo hai with it are complementary,
अब उसने कहा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जिन दो पॉइंट से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, टॉप ऑफ टावर को देख रहे हैं, तो 100% बेटा अगर ये थीटा है या फाई है तो ये 90-5 होगा। आप जिसको मर्जी जो एंगल है, माइट बी सम स्टूडेंट टेक हियर फाई और थीटा, तो इधर 90-5 ले लो, डजंट मैटर, लेना कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6, मुझे ये प्रूफ करनी है कि ये जो एच है वो 6 मीटर। ओके, फर्स्टली लेबल इट ए बी सी डी, हम हाइट को पहले तो एच मीटर्स ले, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल में एच ओवर बी सी दैट इज टेन 90-5, ठीक है, एच एच ही रहने दो, बी सी 4 टेन 90-3। अब आपने ये कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट नो डाउट फर्स्ट टर्म में डिलीटेड था, ठीक है, टेन जो है 90-θ बेटा होता है कॉट थीटा, यहाँ फाई है तो फाई लगा दो, ओके, और एच की वैल्यू निकाल लो 4 cot 5, मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नाउ टेक द ट्रायंगल ए बी डी, जब आपने लिया तो इसमें भी बिल्कुल वैसे परपेंडिकुलर ओवर बेस, एच ओवर मेरे पास बी सी और बी सॉरी बी डी और बी डी कितना लिया हुआ हमारे पास, कितना लिया 9, तो आप 9 ले लो, और यहाँ पर जो है अगेन 10 5, ओके, और एच की वैल्यू ये नीचे 9 और ये 10 5, ओके, इसको उधर ले जाओ, एच इज इक्वल टू 9 10 5। अब आगे सॉल्व करने का आपका अपना मेथड है, कई बच्चे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं यहां से टेन की वैल्यू निकालते हैं और इधर पुट कर देते हैं कॉट को 1/10 करके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, मैं इसको 4/10 5 ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ 10 5 की वैल्यू यहां से निकालू तो एच बाय 9, चाहे आप इधर से भी 10 की वैल्यू निकाल लो, लीजिए 4/h, ये लीजिए, ये सेकंड ले लीजिए, ये फर्स्ट, दोनों 10 5 की वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए तो क्या आएगा 4/h, h बाय 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर। अब जब स्क्वायर उधर जाता है तो ये अंडर रूट बन जाता है और साथ में प्लस माइनस 6 मीटर, बट अगेन द हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन एंड यू विल कम की एच मेरे पास जो है वो कितनी आ गई 6 मीटर। यस दक्ष बेटा, मैम एक और फॉर्मूला भी तो होता है, अगर गिवन कॉम्प्लीमेंट्री हो तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट बी इनटू एच, मैम वो भी तो लग ही सकता है, आप सीधे नहीं लगा सकते, दैट इज मेंट फॉर एमसीक्यूज, वो हमें भी पता है, वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए शॉर्टकट के लिए बच्चों को बताते हैं, यहाँ आपने क्वेश्चन को प्रूफ करना है, फाइंड आउट करना है, आप सीधा नहीं लगा सकते, क्लियर दक्ष, ठीक है बेटा। अब मैं यही आपको एक जनरल बताने लगी थी कि अगर मान लीजिए यहाँ हाइट डिस्टेंस होता ए और बी है ना, तो मैं सीधा आंसर मुझे पता है कि एच इज अंडर रूट ए इंटू बी, तभी देखो 4 × 9 = 36, अंडर रूट 36, आंसर 6 है, ओके। बट हमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, हमें इसको यूज करना है, 1 मार्क में एमसीक्यू होता तो हम 100% इसको करते देंगे, पर यहाँ पर हमें जो है बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है, सबको बात समझ आ गई, ओके 100% बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलिए अब आज मैं आगे